अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। राहुल भाई चारों तरफ नजर रखना। सब ठीक है ना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं और जितेंद्र भाई और 7 लोगों की और टीम, टोटल मिला के 10 लोगों की टीम कहाँ पहुंचे हैं? एक ऐसी लोकेशन जहाँ का नाम सुनते ही दोस्तों दिल में एक दहशत भाई कुछ दिल में एक दहशत का खौफनाक वो माहौल पैदा हो जाता है। दोस्तों लोकेशन है चंदनपुर, जहाँ वो एक भूतिया बच्चा, और जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइब भाई होंगे वो समझ जाएंगे, जहाँ पे अपने जितेंद्र भाई मारुठिया का किडनैप हुआ था और इतनी मुश्किल के बाद में इनको हम छुड़ा पाए थे। आपने देखे होंगे वो पार्ट, तो उसी जंगल में वापस पहुंचे हैं। और पहुंचने का रीजन, हम जब भी इनके साथ में वो घटना हुई थी तो हम उसी टाइम में आने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे चलना एक बेवकूफ़ी होगी। और पूरी प्लानिंग के साथ में 10 लोगों की टीम के साथ में यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हो एक टीम उधर है जो कि दिलीप है, एक टीम हमने सामने की तरफ उधर भेजी है, एक उधर, और 3 भाई हम यहाँ पे हैं। एक जो हमारे कैमरा चला रहा है भाई, दिलीप भाई। तो यहाँ दोस्तों कुछ ही दूरी पे आगे वो जो भूतिया बच्चा दिखाई देता है, उस टाइम में हम पूरी तरीके से उस चीज़ को न तो उसकी मुक्ति करा पाए थे, न पूरी तरीके से उसको कैप्चर कर पाए थे। तो हम आए हैं दोस्तों के वो चीज़ हमें आज भी दिखाई देती है क्या? तो ये आप जितेंद्र भाई के हाथ में देख रहे होंगे कि CCTV कैमरे, बैग हमारा पीछे है, कैमरामैन ने हमारे लटका रखा है। 3 CCTV कैमरा हम लेके आए हैं और 3 अलग अलग एंगल से हम लगाएंगे और देखेंगे तो क्या चीज रिकॉर्ड होती है, क्या है क्या नहीं। दोस्तों उद्देश्य CCTV कैमरा लगाने का यह है क्योंकि एक्चुअली में हमारे को 2 दिन हो गए चंदनपुर आए हुए। कल हमारे 10 लोगों की टीम ने विजिट करा था इस जंगल में, मगर वो भूतिया बच्चा हमारे कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। अगर वो कैप्चर हो जाता तो शायद आज वो वीडियो भी अपलोड हो जाती, मगर वो बच्चा कैप्चर नहीं हो रहा है। हमारे को यहाँ पे बुलाया उनके पिताजी ने कि यार जितेंद्र भैया आपके साथ में बहुत गलत हुआ था, यहाँ पे केवल आप हमारे बच्चे को मुक्ति दिलाने के हिसाब से गए थे, मगर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे को मुक्ति दिला दो। तो हमसे रहा नहीं गया, मनोज भाई मैं और 10 जनों की टीम इस जंगल में आए। इस जंगल में 10 जनों की टीम इसलिए है दोस्तों क्योंकि चारों तरफ हमारे पास सावधानी से है ना, चप्पे पे नजर रखना, सुरक्षा के साथ सुरक्षा पूरी है हमारे साथ में, चारों तरफ ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे माहौल बहुत गंदा है। एक तो जगह हॉन्टेड, ऊपर से ये खतरनाक जंगल है, तीसरा यहाँ पर डकैतों का बहुत ज्यादा। क्या हो राहुल भाई, चारों तरफ नजर रखना क्योंकि दोस्तों चंदनपुर का नाम आते ही सबसे पहले डकैतों का नाम आता है, तो ये लोकेशन बहुत ही खतरनाक दोस्तों। तो हम अब की बार ऐसी कोई चूक नहीं करने वाले हैं और चलते हैं दोस्तों। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि हमारे को इस लोकेशन से बहुत जल्दी निकलना है, और हमने आज फैसला करा है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे और CCTV जो कैमरे हम लेके हैं, 3 कैमरे लेके हैं, उनको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर कैमरे में अगर कुछ रिकॉर्ड होगा तो ये वीडियो मनोज भाई के चैनल के ऊपर आएगी, तो प्लीज। कोई दिक्कत है क्या राहुल भाई, इधर आगे की तरफ जा रहे हैं भाई राहुल? चलो एक तो दोस्तों ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, चलते हैं। और दोस्तों यार जो भी चैनल पर नए विजिट करते हो ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। तो चलते हैं और आप देखो कि हम कैसी कैसी लोकेशन पर विजिट करते हैं। और दोस्तों टाइम ज्यादा नहीं हुआ, करीबन 10 बजे हैं अभी, और 10 बजे आने का रीजन दोस्तों कि वो जो चीज यहाँ पे इस जंगल में जो कैप्चर होता है, वो जो बच्चा 9:30 के बीच में टाइम हो चुका है अभी लगभग, तो दोस्तों उसका कोई टाइम नहीं। जैसे सूर्यास्त होता है तो वो चीज, यानी कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बिल्कुल दिखाई देती है लोगों को, क्योंकि पास में एक कब्रिस्तान है। तो चलते हैं भाई, बोले भाई पीछे की तरफ देखना, एक बार चारों तरफ नजर रखना भाई, लो आ जाओ जल्दी करो क्योंकि यहाँ से जल्दी ज्यादा खतरनाक एरिया है, क्योंकि इधर से चल रही है, क्योंकि बच्चे का तो डर नहीं है उसकी आत्मा से, तो मगर डर है उन गुंडों से जिन्होंने मेरे किडनैपिंग करी थी मेरी।
है।